अच्छा पिताजी, खाना बना के रख दिया है, मैं कॉलेज जा रही हूँ, भूख लगे तो आप खाना खा लेना। ठीक है बिटिया, हमें जब भूख लगेगी तो हम खाना खा लेंगे। तुम कॉलेज ठीक से जाना, ठीक है, ध्यान रखना अपना। हे भगवान, ना जाने कौन से दिन मेरी बेटी अफसर बनेगी, तब मुझे जाके कहीं चैन की सांस आएगी। अरे यार चलो ना कॉलेज, फिर लेट हो जाएंगे। अरे यार खुशी, तू क्यों टेंशन ले रही है, अपने पास गाड़ी है, 2 मिनट का रास्ता है, पहुंच जाएंगे। राजू भाई देख यार, वो गरीब लड़की आ रही है, हम लोग रोज देखते हैं इसे, पैदल जाती है, चल इससे मस्ती करते हैं। अभी रुक, आने दे इसे। ओ लड़की इधर आ। हाँ बोलिए। ये बता, तू डेली कॉलेज पैदल जाती है, तेरे बाप इतने कंजूस है क्या, तुझे ऑटो से भी नहीं भेज सकते। हमारे पास देख गाड़ी है, स्टैंडर्ड कपड़े, मस्त से जाते हैं कॉलेज। अरे यार राजू छोड़ो ना, इसका बाप कंजूस है, एक किस्म का भिखमंगा, लाना पे ऐसे बाप। अब क्या देख रही है खड़े खड़े मुंह, चल भाग यहां से। अरे यार आज तो बोर हो गए क्लास में बैठे बैठे, सर ने ऐसा चैप्टर खोल लिया कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। हाँ यार तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे यार राजू देखो गरीब लड़की आ रही है, चलो उससे मस्ती करते हैं, फिर मूड फ्रेश हो जाए। अरे हाँ ठीक कह रहा है। अरे ओए लड़की इधर आ। देख हमें माफ कर दे, हमने सुबह तेरे से बहुत ही उल्टा सीधा कहा, उसे भूल जा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दे। अच्छा ठीक है। कोई बात नहीं, ऐसे बोले जैसे कोई डीएम हो। अबे गरीब, हम तुझसे माफी मांगेंगे, चल भाग यहां से। पिताजी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भैया। आ गई कॉलेज से? आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं पिताजी कोई दिक्कत नहीं हुई आने में। अच्छा बेटा बैग रख के मुझे खाना ले आओ। देख बेटा तू बहुत ध्यान से पढ़ाई कर, मुझे पता है तो एक दिन मेरा नाम जरूर रोशन करेगी। पिताजी वो मैं ये कह रही थी। हाँ बेटा बताओ। पिताजी मैं कॉलेज इतनी दूर पैदल जाती हूँ और थक जाती हूँ, टाइम भी बहुत लगता है, मेरी पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पा रही है, हो सके तो कुछ पैसों का इंतजाम कर दो जिससे मैं कॉलेज ऑटो से जा सकूँ। ठीक है बेटा मैं पैसों का इंतजाम करूँगा, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। जी पिताजी। अच्छा पिताजी मैं जा रही कॉलेज। ठीक है बिटिया, ध्यान से जाना अच्छे से, ठीक है। अरे यार खुशी, मैं क्या सोच रहा था आज कॉलेज के बाद कहीं घूमने चलते हैं। हाँ राजू तुम ठीक कह रहे हो, चलते हैं। अरे राजू भाई यार आज वो गरीब लड़की नहीं आई है, लगता है आज वो ऑटो से निकल गई। चलो चलते हैं अपने लोग कॉलेज। चलो चलो आओ।
राज भाई देख वो गरीब लड़की आ रही, चल मस्ती करते हैं उससे। हाँ वीरू। अबे वो लड़की इधर आ। अरे यार ये लड़की आई क्यों नहीं? तो अभी बताता हूँ। अरे छोड़ो यार, क्यों उस गरीब के पीछे पड़े हो? हाँ यार चलो अपने कहीं घूमने चलते हैं। और बेटा कैसी चल रही है पढ़ाई? पिताजी पढ़ाई तो सही चल रही है, वो मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। क्यों बेटा किस लिए? पिताजी स्कूल के सारे बच्चों ने कोचिंग लगा ली है, सर बोल रहे थे अगर तू कोचिंग नहीं लगाएगी तो तुझे फेल कर देंगे। कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, मैं अभी जाता हूँ सरपंच जी के पास और वहाँ से कुछ पैसों का इंतजाम करके लेके आता हूँ। राम राम। अच्छा ठीक है, पता क्यों आना हुआ? वो सरपंच जी थोड़े पैसे चाहिए थे। क्यों, किस लिए? वो सरपंच जी बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए। अच्छा कितने पैसे चाहिए? सरपंच जी 10,000। अच्छा कब तक लौटा देगा? सरपंच जी जल्दी लौटा दूंगा। अच्छा ठीक है मैं लाता हूँ। ये ले और जल्दी ही लौटा देना। जी सरपंच जी। बेटा 10,000 रुपए और अपनी कोचिंग की फीस ठीक से जमा कर दियो। ठीक है पिताजी। लो पिताजी पानी। पिताजी आपकी तबीयत बहुत खराब है और खेतों में भी बहुत काम है, आप आराम करो, खेतों का काम मैं संभाल लूंगी। नहीं बेटा तू अपनी पढ़ाई कर, खेतों का काम मत कर। पिताजी पढ़ाई मैं रात को कर लूंगी, अभी खेतों का काम निपटा लेती हूँ। ठीक है बेटा जैसी तेरी मर्जी। ठीक है पिताजी। अरे मैंने एग्जाम में टॉप किया है और मेरा सिलेक्शन भी हो गया है। चलो पिताजी को बताती हूँ, पिताजी बहुत खुश होंगे। पिताजी पिताजी आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों बेटा क्या हुआ? पिताजी मैंने एग्जाम में टॉप किया है और मेरा सिलेक्शन भी हो गया है। अरे वाह बेटा ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन पिताजी मुझे 20 लाख रुपए और ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना होगा। क्या बेटा 20 लाख रुपए? लेकिन हमारे पास तो 1,000 रुपए भी नहीं है। हाँ पिताजी अगर हमने पैसे जमा नहीं किए तो मेरा सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। अच्छा बेटा तो अब पैसे कहाँ से लाएं? पिताजी कहीं से भी करो लेकिन 20 लाख रुपए का इंतजाम करो। अच्छा बेटा तो मैं जाता हूँ सरपंच जी के पास। सरपंच जी राम राम। हाँ ठीक है बता क्यों आना हुआ? सरपंच जी मुझे 20 लाख रुपए की जरूरत है। अबे तूने पिछले पैसे दिए नहीं है और लेने आ गया? यहाँ नहीं है पैसे वैसे, चल भाग यहाँ से। सरपंच जी मैं आपके पैसे बहुत जल्दी लौटा दूंगा, अभी मुझे पैसे दे दो। 20 लाख रुपए बहुत बड़ी कीमत है, मैं तुझे ऐसे कैसे दे दूँ? तुझे उसके बदले में कुछ ना कुछ मेरे पास गिरवी रखना पड़ेगा। ठीक है सरपंच जी मैं लेके आता हूँ। ये लो सरपंच जी ये मेरे जमीन के कागज हैं। हाँ ठीक है मैं रुपए लेके आता हूँ। ले पकड़। और हाँ सुन
अगर टाइम पर पैसे वापस नहीं करे तो मैं तेरी जमीन पे कब्जा कर लूंगा। ठीक है सरपंच जी, मैं आपके पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा। चल ठीक है जा। ये ले बेटा पूरे 20 लाख रुपए और जल्दी जाके तैयार हो जा। ठीक है पिताजी। अरे बेटा हो गई तैयार, चल मैं तुझे बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। अच्छा पिताजी आप जाइए, मैं चली जाऊंगी। ठीक है बेटा, ठीक से जाना और अपना ध्यान रखना। ठीक है पिताजी, मैं एक अफसर बन के ही लौटूंगी, ये आपसे मेरा वादा है। ठीक है बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। पिताजी आप रोइए मत, मैं बहुत जल्द लौटूंगी। ठीक है बेटा जा। चल बे बुड्ढे पैसे निकाल। सरपंच जी अभी मेरे पास पैसे नहीं है। चल बे जमीन को खाली कर दे। नहीं सरपंच जी ऐसा मत करो, मुझे थोड़ा समय और दे दो, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। देख मैं तुझे 1 महीने का वक्त देता हूँ, अगर तूने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तेरी इस जमीन पे कब्जा कर लूंगा। आया समझ में? अब क्या करूं? बिटिया की भी कोई खबर नहीं है, सरपंच ने भी 1 महीने का टाइम दिया है, इतने सारे पैसे कहां से लाऊंगा मैं? चल बे बुड्ढे पैसे निकाल, 1 महीना पूरा हो गया। सरपंच जी मुझे माफ कर दो, मेरे पास पैसे अभी हो नहीं पाए। चल फिर ये जमीन खाली कर दे। नहीं सरपंच जी मुझे थोड़ा टाइम और दे दो। चल निकल यहाँ से, तेरा यही ठेका लगा रहेगा। अरे बिटिया तू। जी पिताजी। क्यों सरपंच जी, आप इतने पढ़े लिखे होते हुए भी आपको ये नहीं पता कि गरीब की गरीबी क्या होती है? अरे नहीं, मैं तो अपने पैसे मांग रहा था। वो तो मुझे पिताजी की हालत देखकर ही लग रहा है कि तुम इनके साथ क्या कर रहे थे। बताइए कितने पैसे हैं आपके? नहीं नहीं मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, आखिर तुम भी मेरी बहन जैसी हो। अब तो मैं वैसे भी इस गांव के हर व्यक्ति को उसकी बहन बेटी जैसी लगूंगी। इस दुनिया में पैसे वाले का सबको ही है लेकिन गरीब का कोई नहीं। गार्ड्स लाओ चेकबुक। तो ये लो सरपंच जी, इसमें आपके पैसे से कई गुना ज्यादा पैसे हैं। मैं आपको पैसे तो बहुत देती क्योंकि आपके पैसे से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, लेकिन आपने मेरे पिताजी के साथ अच्छा नहीं किया। चलो जाओ यहाँ से। बेटा आज तूने मेरे सपने को साकार कर दिया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ। नहीं पिताजी ये सपना नहीं ये सच है, चलो अब घर चलते हैं। टाइम आण दे बापू, पानी में आग लगा दूंगी और जो बदनाम करे तेरी लाड्डो ने, माँ कसम उनते भी सलाम ठुकवा दूंगी।